घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। घटोत्कच अपनी माँ यानी हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। फिर घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने गुस्से में घटोत्कच को यह श्राप दिया था। उन्होंने घटोत्कच को कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री है और पांडवों की पत्नी भी है। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माँ राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और आशियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा।